सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत शामिल हो रही है। आप सब लोग जानते होंगे हर्ष महाजन जी को। हर्ष महाजन जी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हर्ष महाजन जी बहुत लंबे समय से वहाँ राजनीति कर रहे हैं। 2003 से 2008 तक आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस के तमाम पदों पर, कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव, 25 सालों तक तमाम पदों पर रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होके आज हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। माननीय हर्ष महाजन जी के पिताजी देशराज महाजन जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हिमाचल के रहे हैं। 10 वर्षों तक स्पीकर रहे, 12 वर्षों तक वहाँ मंत्री भी रहे हैं। बहुत ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति से, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय पीयूष जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनके पार्टी में शामिल करें। इस अवसर पर आदरणीय पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करेंगे और हर्ष जी का शब्दों के माध्यम से भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद अनिल जी। आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने लगभग 45 वर्ष तक 45 years हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की जनता की अलग अलग पदों पर रहकर सेवा करी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में रहकर भी एकदम साफ सुथरी अपनी छवि जिंदगी भर बनाई। उच्च शिक्षा पाने के बाद बचपन से ही ये राजनीति में जुड़े रहे, फिर वो चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे असेंबली हो जिसमें उन्होंने चीफ व्हिप का भी दायित्व संभाला, और अलग अलग तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इनका प्रभाव रहा, राजनीति में इनका बड़ा योगदान रहा, हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान रहा। एमएलए भी रहे और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता की सेवा की है, ईमानदार सरकार, विकास से जुड़ी हुई कार्यक्रम, और हिमाचल प्रदेश का होलिस्टिक डेवलपमेंट हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए माननीय हर्ष महाजन जी ने आज निर्णय लिया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से देश और विश्व में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व की सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है, उन सब विषयों के साथ इन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आगे काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड की तरह एक नया इतिहास रचने जा रहा है। लगातार एक सरकार दो बार सरकार में रहे, जनता की सेवा करे, ये उत्तराखंड ने और पहाड़ी राज्यों में साधारणता हम सबकी धारणा रहती थी कि भाई एक बार एक सरकार आएगी, दूसरी बार दूसरी सरकार, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहां पे विकास कार्य हुए, अमन शांति रही, अच्छे सरकार चली, उसके मद्देनजर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता का सेवा करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की जनता भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताकर जनता की सेवा करने का अवसर देगी। उस कड़ी में, उस मुहिम में योगदान और समर्थन और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज श्री हर्ष महाजन जी का मैं पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, उनको आमंत्रण करता हूं कि वो भी हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद मंच पे सभी वरिष्ठ बीजेपी के लीडर्स और प्रेस के बंधुओं। लगभग 45 साल मेरे को कांग्रेस में हो गए। मैं एनएसयू से भर्ती हुआ था, स्टेट यूथ कांग्रेस का इंडिया में सबसे लंबा टेन्योर था मेरा 10 साल, और नेशनल लेवल पे भी बहुत कमेटियों में काम किया और स्टेट लेवल पे भी 3 दफा इलेक्शन भी जीता, कोई इलेक्शन नहीं आ रहा, मिनिस्टर रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, AICC की जितनी कमेटियां थी, कोई ICC मेंबर, कोई स्टेट इलेक्शन कमेटी, कोई स्क्रीनिंग कमेटी, सबका मेंबर रहा। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत, तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था, स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है, ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूँ, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहाँ काम करते हुए, जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है आपका, पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था तो। लेकिन वहाँ अब वीरभद्र जिंगे के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा, छुटबुट नेता, छुटबैये नेता, और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फील्डम वगैरह है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ,
तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियां ही वो स्ट्रांग गवर्नर्स देते हैं और स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं, उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों कि अगली इलेक्शन आने वाली है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी अच्छे मार्जिन से करेगी। एक पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष थे पवन काजल, वो चले गए, वो तो इलेक्शन लड़ते थे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था, सिर्फ मैनेजमेंट करता था, ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था। मेरे को इलेक्शन से हटाने वाले भी राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो बोलते थे कि तूने सिर्फ स्टेट की इलेक्शन देखनी है और मैनेजमेंट करनी है। पर लेकिन हमारी स्टेट से नड्डा जी हैं, हमारे वी आर प्राउड ऑफ हिम। एंड सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी इस वक्त भारतवर्ष के अकेले लीडर ऐसे हैं जो पूरे भारत को एक ही माला में परोएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़ा लंबा अरसा कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाया है और इसी हित में लिए मोदी जी को मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयूष गोयल जी का, हमारे संगठन के सारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का और आपका कि मुझे ये मौका मिला। धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हर्ष महाजन जी इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज पर उनसे मिलने जाएंगे, तो आप लोग भी वहाँ पर आमंत्रित हैं।